हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुभावली। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फिर से केदारनाथ। तो हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, ये किशमिश रखी है। तो हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है। ये है हमारे बैग्स, ये है हमारी राइडिंग जैकेट, ये है हमारा हेलमेट, ये है म्यूज़िक सिस्टम, और ये है मूशु जो अभी सो रहा है। सो गाइज़, अभी हो रहे हैं बाइक पे बैग लोड, उसके बाद हम लोग निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वैसे ही क्योंकि हम लोग रात को पैकिंग करते करते 3 बज गए थे हमें, फिर हम 3 बजे सोए हैं और 6 बजे उठे हैं, तो हम लोग हो गए हैं लेट। तो फिर गाइज आगे मिलते हैं आप लोगों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फोन तो तेरा ही है, दूसरी बात हो गई। अभी हम लोग पहुंच गए मेरठ बाईपास, और मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारी तीसरी यात्रा है, तीसरा साल हम लोगों का केदारनाथ जाने का। और बाबा के आशीर्वाद से हर साल किसी ना किसी बहाने से बुलावा ही जाता है जाने के लिए। तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं आगे कैसा कैसा व्यू है, कैसा मौसम रहेगा इस यात्रा में। हमने लिया है यहाँ पर ब्रेक सिंह साहब दा ढाबा। ये है खतौली के अंदर, ये है खतौली का रोड, और ये है शिवा ढाबा। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और काफ़ी अच्छा खाना था, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने खाना खाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आलू के पराठे खाए हम लोगों ने, काफ़ी अच्छे थे। और होटल का नाम मैंने आपको बता दिया है, सिंह दा ढाबा ऐसा करके कुछ है। जीरो कर देना अंकल। हाँ चढ़ाई है, 23 किलोमीटर की चढ़ाई है। सोनप्रयाग तक तो चली जाती है मोटरसाइकिल या गाड़ी कुछ भी चीज़, उसके बाद में फिर आप पैदल चले जाओ, चाहे खच्चर से चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो। ये बस हमें रास्ते में मिली थी, और इसमें एक लड़का था, उसका नाम प्रियम था। हम इससे मिल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, फिर लास्ट में ये हमें मिला, फिर हमने इससे हैंडशेक किया। वैसे भी हम साथ में चला नहीं सकते थे बाइक, क्योंकि बस भी काफ़ी तेज़ थी और बाइक भी काफ़ी तेज़ थी। फिर लास्ट में हम लोगों को ये लोग मिल गए, तो हम लोगों ने साइड में बाइक लगाई। फिर इसकी प्रियम की फैमिली, काफ़ी सारे लोग थे फैमिली में, फिर हम लोगों को मिले ये। और काफ़ी अच्छा नेचर था, ये लोग अहमदाबाद से थे, और इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर ये लोग हमें आगे केदारनाथ पे भी मिले थे, ये भी केदारनाथ जा रहे थे, हम लोग भी केदारनाथ जा रहे थे, फिर हम लोग इनसे एक बार फिर केदारनाथ में मिले थे। फिर इन लोगों ने हमारी बाइक के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, फिर हम लोगों ने ली लास्ट में सेल्फी पूरी फैमिली के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी सेल्फी। हम लोग पहुंच गए हरिद्वार, टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बजे का। सो हम लोग 8:30 बजे करीब में निकले थे, काफ़ी बीच में रुकते हुए आए आराम से भी, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी था इस चक्कर में। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से ही, हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप कहीं भी अगर जाना चाहते हैं सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। और साथ ही हरिद्वार एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाई बस भी आ सकते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं, चाहे किसी मोड से आप आ सकते हैं इजीली। और यहीं से ही आप अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर बाय बस या टैक्सी यूज़ करके आप जो है अपने धाम पर पहुँच सकते हो।
यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, बाकी बस भी मिल जाती है आपको। बस का किराया केदारनाथ के लिए लगभग ऐसे ही 500 से 600 रुपए का होता है, जो कि बस आपको अर्ली मॉर्निंग मिलती है 10 बजे के बाद में मे भी कोई बस नहीं मिलती है यहाँ से। अगर आप जल्दी सुबह आएंगे तो इजीली आपको बस मिल जाएगी, जो कि सोनप्रयाग तक के लिए होती है, और साथ ही ऋषिकेश में भी मिल जाती है बस की सर्विस। तो अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देखोगे पीछे गंगा जी का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए रुके थे हम ताकि थोड़ा सा आराम कर लें और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता भी दें इस बारे में कि आप कैसे अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हो। इधर से तो काला जा गया, इधर से ही है, और आपको सुंदर सा एक दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा शंकर जी का। बड़ी सी एक मूर्ति लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए शंकर जी की मूर्ति, और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे। आज का स्टे हमने प्लान किया है कि श्रीनगर में जाके स्टे करें। अभी हम लोग ऋषिकेश बाईपास पे, ऋषिकेश बाईपास की तरफ से निकल रहे हैं। शहर के अंदर से लगेगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा आज, वीकेंड खामा खामा अंदर जाके फंस जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा बाहर से चलते हैं। थोड़ा सा लंबा रूट पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा रास्ते में बिल्कुल भी, अभी तक मिला भी नहीं ऐसा। आपसे कहती ट्रैफिक और थोड़ा बस स्लो हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे शायद आईटी ऑफिस है किसी केस का, इसलिए यहाँ पे सारी गाड़ी। अभी हम लोग पहुंच गए देवप्रयाग, जहां पर संगम होता है भागीरथी का और अलकनंदा का। मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये देखेंगे, ये जो है ये है भागीरथी जो कि गंगोत्री से आती है, और आप सामने की तरफ ये देखेंगे ये है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आती है, और यहां दोनों लोग मिल करके, दोनों नदियाँ मिल के यहां से उद्गम होता है गंगा नदी का। आप देखोगे इस टाइप से यहाँ पर धीरे धीरे आगे करके दोनों जब आपस में मर्ज हो जाती है, उसके बाद में यहाँ से निकलती है गंगा। ये माँ गंगा यहाँ से सीधा ऋषिकेश हरिद्वार जाती है, और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी है। जो किसको ओ गाइस, आओ तुम्हें दिखाता हूँ लंगूर। लंगूर देखो, लंगूर कहाँ पहाड़ों पे घूम रहे हैं, ऐसे सामान भी ले जाते हैं। आगे सवाल भी आगे भागती है, सवाल भी देखो यहाँ पहुँच गई है, ये पीछे और भी है लोग। ये वो अखिल है, अब मैं बोलूंगी फिर अखिलेंद्र, वो देखो कि भारती के साथ तो फौज जा रही है, फौज पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर 5 किलोमीटर है यहाँ से, और सनसेट के बाद का व्यू देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन लग रहा है। देख रहे हो बादल, बादलों के अंदर सूरज, और ये मामा खड़े हुए हैं, इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल चुरा रहे हैं भाई ये, और आगे जा रही है सच्चू साहब की गाड़ी। थोड़ा व्यू देखो ऊपर, और ये अंकल जा रहे हैं स्कूटी आगे लेकर के। हमारा आज का स्टे यहीं रहेगा श्रीनगर में ही, देखते हो कोई बढ़िया सा होटल मिल जाता है तो सस्ता टिकाऊ और बढ़िया, ऐसा होटल ढूंढनी है भाई इस बार।
देखो श्रीनगर का व्यू बेहतरीन वाला। अंकल वीडियो शूट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग करते हैं रेस्ट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमें सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि श्रीनगर से हमें निकलना है बड़ासू के लिए। तो मिलते हैं फिर हम आपसे। टू बी कंटिन्यू। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।